ला क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान अधिनियम का जो प्रावधान किया गया है, आप देखिए, ये अधिनियम 1872 का है। 1872 की पहले क्या कोई संविदा नहीं होती थी? तो 1872 के पहले संविदा अगर पक्षकारों के द्वारा की जाती थी, यानी संविदा जैसे संव्यवहार किए जाते थे, तो वो कैसे क्रियान्वित तो होता था, इसको भी हम लोग समझेंगे। यानी कहें एक लाइन में तो इसका ऐतिहासिक विकास, संविदा विधि का ऐतिहासिक विकास भी हम लोग समझेंगे। और इस अधिनियम के लागू होने से क्या प्रावधान किए गए इस अधिनियम में, आप अगर देख सकते हैं तो देखिए चार्ट में इसको दो भागों में मैंने बांटा है। एक है सैद्धांतिक पक्ष और एक है व्यवहारिक पक्ष। दो भागों में इस संविदा अधिनियम को बांटा गया। तो दो भागों में बांटने का मतलब क्या है? सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, ये क्या होता है? तो सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं संविदा अधिनियम से संबंधित पूर्व के जो प्रावधान थे, जिसको कहें तो ऐतिहासिक कालखंड इसका, कि जब पक्षकारों के मध्य, ठीक है, इस एक्ट के लागू होने से पहले भी तो आपस में ट्रांजैक्शन होता था, संव्यवहार होते थे, लेन देन होते थे कि नहीं होते थे, तो उस पे कैसे उन्हें क्रियान्वित किया जाता, उन पे कैसे लागू होता था, यह एक्ट तो था ही नहीं, तो उसके बारे में क्या प्रावधान था। तो आप समझिए कि जब से मानव का विकास हुआ, मानव सृष्टि पे आया, धीरे धीरे जंगलों से निकल के समाज में आना शुरू किए, ठीक है, तो आपस में इनके जो संव्यवहार थे, लेन देन तो बहुत बड़े पैमाने पे होता था। और उस समय अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो अंतरण का प्रावधान था, जो संपत्तियों के अंतरण का प्रावधान है, कि संपत्तियों का अंतरण कई तरीके से किया जा सकता है, एक दो तरीके नहीं, बहुत सारे तरीके हैं संपत्तियों के अंतरण का। उसमें से जो अगर कहें सबसे पॉपुलर, सबसे आसान तरीका था, वो था विनिमय, एक्सचेंज करना। ये आज भी आप देखेंगे तो शहरों में तो उतना नहीं रह गया है, लेकिन गांव में, देहातों में आप देखेंगे विनिमय आज भी वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। जो तबका गरीब वर्ग से आता, जो थोड़ा सा अमीर हो गए हैं, वहाँ बंद हो गया, क्योंकि उनके पास कैश पैसा हो गया। लेकिन जो तबका गरीब वर्ग से आता है, वहाँ भी बड़े पैमाने पे विनिमय होता। आप देखेंगे किसी के यहाँ भैंस लग रही है, दूध दे रही है, तो दूध ले जाके पड़ोसियों को भी दे देते हैं, मट्ठा बना के पड़ोसियों को दे देते हैं। पड़ोसी के यहाँ सब्जी कोई उगी हुई है, उसके बदले सब्जी दे देता है। किसी के यहाँ गेहूं कम पड़ गया है, तो दूसरे के यहाँ से गेहूं ले आया, उसके यहाँ चावल कम पड़ गया तो बगल के यहाँ से चावल ले लिया। तो इस तरीके से गांव का जो कारोबार है, बड़े पैमाने पे चलता है। बाजार जाने की जरूरत नहीं होती थी, अब तो धीरे धीरे मार्केट का कॉन्सेप्ट आया है, नहीं तो पहले बाजार जाने की जरूरत नहीं होती थी, जब तक कोई बहुत बड़े पैमाने पे सामान खरीदने की जरूरत ना पड़े। लोग क्या करते थे, एक दूसरे को सामान का आदान प्रदान करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। यहाँ तक कि शादी विवाह जैसे कार्यक्रम में भी खाद्य सामग्री के स्तर पे लोग एक दूसरे के यहाँ पहुँचा देते थे, फिर जब उसके यहाँ पड़ता था तो वो भी पहुँचाते थे। तो इस तरीके से आपस में आदान प्रदान करके अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति लोग कर लेते थे, और मार्केट पे कोई निर्भरता नहीं थी। लेकिन कोई संविदा विधि नहीं थी, ठीक है, पैसा उस समय भी लेन देन होता था, सामानों का लेन देन होता था, वस्तुओं का लेन देन होता था, लेकिन कोई संविदा विधि जैसे नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति अपने द्वारा
दिए गए वचन को पूरा नहीं करता था, तो उसके वचन को कैसे पूरा करवाया जाता था। तो एक चीज समझिए कि प्राचीन काल में लोग अपने अपने वचन को देने से पहले उसका पालन करने में वो सामर्थ्य थे कि नहीं, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। अगर वो अपने प्रॉमिस पे खरा उतर सकते थे तो प्रॉमिस करते थे, अन्यथा नहीं। उस समय अगर मैं कहूँ तो संविदा विधि से नहीं, धर्म से गवर्न होता था, सत्यता पर आधारित था। लोग एक दूसरे पे विश्वास करते थे, किसी भी तरह से कोई भी भय नहीं होता था विश्वास पे, सत्यता पे। और अगर कोई व्यक्ति किसी को ऋण दिया है या किसी से ऋण लिया है, तो उस ऋण को देने या लेने का अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझता था, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, कि अगर मैं किसी से कोई पैसा वापस लिया हूँ, कर्ज लिया हूँ, ऋण लिया हूँ, तो उसे मुझे वापस करना है, ये हमारी प्राथमिक ड्यूटी है। यानी कहें तो नैतिकता अपने चरम सीमा पे थी, सत्यता अपनी चरम सीमा पे थी। आज इनका हनन हो गया है, ना तो नैतिकता उस तरह से रह गई है और ना ही सत्यता रह गई है, भरोसा उठ गया है लोगों का। लेकिन उस समय सत्यता की जो प्रबलता थी वो अपनी चरम पे थी। लोग बिना किसी भय के, बिना किसी डर के वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, जरूरत पड़ने पे एक दूसरे से कर्ज लेते थे, और ऐसे स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वचन को पूरी ईमानदारी से करता था। एक कांसेप्ट चलता था पहले धर्म में कि अगर कोई व्यक्ति अपने द्वारा लिए गए ऋण का या अपने पूर्वजों के द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान नहीं करता है तो वह घोर नरक का पापी होगा, घोर नरक का पापी होगा। यह धार्मिक सिद्धांत था, धर्म से जुड़ा हुआ था। इसीलिए हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करना पुनीत कर्तव्य समझता था, प्राथमिक कर्तव्य समझता था। तो इस तरह से संविदा विधि ना होने पर भी लोगों के कर्तव्यों का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता था। कोई भी व्यक्ति अगर ऋण लिया है, कोई वचन किसी को दिया है, तो सबसे पहले उसको वो पालन करता था। इसी नाते अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो मैं हिंदू विधि की बात करता हूँ। हिंदू विधि में आप देखिए मान्यता है संतानों उत्पत्ति की, ठीक है, कि पुत्र का होना जरूरी है। ये धर्म के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। हिंदू विधि जो है हिंदू धर्म के अनुसार पुत्र का होना जरूरी है। क्यों भाई पुत्र का होना जरूरी है? पुत्री अगर हो गई तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कुछ मान्यताएं थी, उस मान्यताओं में एक मान्यता ये भी थी कि ऋणों का भुगतान करेगा, जो पिताजी के द्वारा या पर पितामह के द्वारा ऋण लिया गया है उसका भुगतान पिता ही, वो बेटा ही करेगा, अगर वो खुद नहीं कर पाए उनकी मृत्यु हो गई तो ऋणों का भुगतान करना, ये भी एक कॉन्सेप्ट में यानी तर्क में ये भी बात जुड़ी जाती है कि अगर बेटा होगा तो वो ऋणों का भुगतान कर देगा। पैतृक संपत्तियां जो होती थी उससे ऋण का भुगतान करना बाध्यता थी। ध्यान दीजिएगा, अब तो उत्तराधिकार अधिनियम से परिवर्तन हो गया, जो भारतीय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बनाया गया है, उसमें अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अगर पैतृक संपत्ति आपको उत्तराधिकार में मिलती है और उस पर कोई ऋण बकाया है, पिताजी ने कोई ऋण ले रखा है, तो उस ऋण का भुगतान करना कोई पुनीत कर्तव्य आज नहीं। यानी कोई पुनीत कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है, लेकिन कोई विधिक कर्तव्य नहीं है। तो संविदा विधि तो नहीं थी, फिर भी संविदा जैसे कार्य होते थे और उसका परफॉर्मेंस भी होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो सत्यता
थी, नैतिकता थी लोगों के अंदर, इसका ह्रास होते चला गया। कुछ बहुत सारे टेक्निकल समस्याएं उत्पन्न होती चली गई। तो आप देखेंगे मुगलों के समय में, अंग्रेजों के समय में, ठीक है, मुस्लिम विधि चल रही थी, हिंदू विधि चल रही थी उस समय भी, और उस हिंदू धर्म के अनुसार, मुस्लिम धर्म के अनुसार भी संविदा का परफॉर्मेंस हो रहा था, बड़े पैमाने पे उसका विकास हुआ था। लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार वो जो धार्मिक अवधारणा थी वो पर्याप्त नहीं रह गई। नए युग के अनुसार संविदा का जो स्कोप है वो अपने विस्तृत रूपों में फैलता हुआ चला गया। बहुत तरह से लोग एक दूसरे से वचन देने के बावजूद भी उसे परफॉर्म नहीं करते थे, पालन नहीं करते थे। तो एक आयोग गठित किया गया उस समय, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तृतीय विधि आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट 1866 में दिया था। तृतीय विधि आयोग की दूसरी रिपोर्ट 1866 में दी गई थी कि जितनी विधि से संबंधित धर्म में बातें लिखी है, अन्य जगह कहीं लिखी है, रूढ़िगत चल रही है, परंपरागत चल रही है, सबको इकट्ठा करके एक संविदा विधि बनाई जाए। तो इस तृतीय विधि आयोग की दूसरी रिपोर्ट, ठीक है, तृतीय विधि आयोग की दूसरी रिपोर्ट 1866 में पेश किया जाता है, और इसी रिपोर्ट के आधार पे 1872 में भारतीय संविदा अधिनियम बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1872 में तृतीय विधि आयोग की दूसरी रिपोर्ट के आधार पे। अब इस अधिनियम में आप देखेंगे संविदा अधिनियम जो ये बनाया गया है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इसके अलावा क्या ये संविदा से संबंधित जितनी विधियां हैं भारत में सब पे ये संपूर्ण है? तो संपूर्ण नहीं है, ये भारतीय संविदा अधिनियम सभी विधियों पे संपूर्ण नहीं है, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण विधि है ये। क्यों? क्योंकि इस एक्ट में न केवल कुछ विशेष प्रकार के अंतरणों की बात किया गया है, संविदा की बात की गई है, बल्कि सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है कि संविदा कैसे किया जाएगा। दो पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति कब संविदा का रूप लेगी, इसके बारे में पूरा सिद्धांत बताया गया। और वो सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, वो सिद्धांत न केवल भारतीय संविदा अधिनियम में जो कुछ विशेष प्रकार के संविदा की बात की गई है अध्याय 7 से अध्याय 11 तक में, इस पे लागू होता है, बल्कि भारतीय संविदा अधिनियम के अलावा जो संविदा से संबंधित और विधियां हैं, जैसे भागीदारी अधिनियम हो गया, माल विक्रय अधिनियम हो गया, नेगोशिएबल एक्ट हो गया, कंपनी अधिनियम हो गया, ठीक है, बहुत सारी और विधियां संविदा से संबंधित जितने हैं उस पे भी ये पार्ट जो है लागू होता है। इसी को सैद्धांतिक पक्ष कहते हैं। ये सैद्धांतिक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पे भी ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए मैंने लिखा है सैद्धांतिक पक्ष अध्याय 1-6 धारा 1-75, तो सेक्शन 1-75 जो है ये सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसमें किसी भी विशेष प्रकार के संपत्ति के अंतरण का उल्लेख नहीं किया गया, किसी विशेष प्रकार की संविदा की बात नहीं की गई है, केवल और केवल कोई भी सहमति दो पक्षकारों के मध्य या उनसे अधिक पक्षकारों के मध्य कब वो संविदा का रूप लेगा, संविदा का पालन कैसे किया जाएगा, संविदा कितने प्रकार की हो सकती है, संविदा भंग होने पे उपचार क्या क्या होगा, सब कुछ केवल इसी में लिखा गया है, जिसको सैद्धांतिक पक्ष के नाम से जाना जाता है। इधर व्यवहारिक पक्ष देखिए लिखा हुआ व्यवहारिक पक्ष, इसका मतलब क्या है कि कुछ विशेष प्रकार के संपत्तियों के अंतरण का कुछ
विशेष प्रकार के संविदाओं का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, ना कि सभी प्रकार के अंतरणों का उल्लेख यहाँ किया गया है। ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार के संविदाओं की बात यहाँ नहीं, कि ये कुछ विशेष प्रकार के ही संविदा हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं, यहाँ जरा देखिए कुछ बॉक्स मैंने बनाया है, टोटल 5 बॉक्स हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पर और एक दो नीचे। ये 5 बॉक्स हैं, इसमें कुछ विशेष बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, पहले इन बॉक्स को अलग से हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इस चार्ट पर आएंगे। सबसे पहले देखिए क्या है भारतीय संविधान अधिनियम, क्या है सिविल मौलिक विधि है, ठीक है, सिविल सस्टेंटिव लॉ है, ध्यान दीजिएगा। ये इस पे जो प्रक्रिया विधि लागू होती है वो सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है। दूसरा ये समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकारें भी बना सकती हैं सिविल मौलिक विधियों पे। तीसरा है सैद्धांतिक प्रावधानों का उल्लेख, यानी इस भारतीय संविधान अधिनियम में सैद्धांतिक प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है, जबकि इसके अलावा जो भी संविधान से संबंधित विधियां हैं, जैसे आपका कंपनी लॉ हो गया, आपका निगोशिएबल एक्ट हो गया, इन सब में, या माल विक्रय हो गया, भागीदारी अधिनियम हो गया, इन सब में कहीं सैद्धांतिक पक्ष का उल्लेख नहीं किया गया। और चौथा पॉइंट है कि तृतीय विधि आयोग की दूसरी रिपोर्ट पे जो है 1066 में दी गई थी, उसके आधार पे बनाया गया है। यहाँ देखिए लिखा है टोटल अध्यायों की संख्या 11 इस अधिनियम में थी, आज नहीं है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 11 अध्याय नहीं है, वर्तमान में 9 अध्याय हैं, लेकिन ये मूल लिखा हुआ है टोटल 11 अध्याय, धाराओं की संख्या, ये मूल धाराएं हैं 266, और अनुसूची कुछ नहीं है, कोई अनुसूची नहीं रखी गई है। इसके बाद ये एक्ट नंबर क्या है, नहीं अधिनियम संख्या क्या है, तो 9 है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है अधिनियम संख्या। लागू होने की तारीख अर्थात पासिंग डेट क्या है, तो ये 25 अप्रैल 1872 है, यानी अप्रैल में लागू हुआ है 25 अप्रैल को। पास होने की तारीख क्या है, वो थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ लागू होना चाहिए, यहाँ पासिंग होना चाहिए, ये पास होगा और ये लागू होगा। लागू होने की तारीख क्या है, 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872, और ध्यान रखिएगा 1 सितंबर 1872 को ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट का भी इनफोर्स डेट सेम यही है, 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872। तो दो एक्ट आपको मिल गए, मेजर एक्ट जो एक ही डेट को लागू हो रहे हैं, 1 सितंबर 1872, ध्यान रखिएगा, अधिनियम संख्या आपने ध्यान दे दिया, तो 3 बॉक्स ये हो गए। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो अब मैं इसको 2 भागों में बांटा हूँ, पूरे संविदा विधि को, इसका ये मतलब नहीं कि ये मोटा मोटा बांटा गया है आपको समझाने के लिए, पूरे संविदा अधिनियम को एक बार दिखाने के लिए, ठीक है, जिससे संविदा अधिनियम पे आपका जो पकड़ है वो बहुत ही मजबूत हो जाए, क्योंकि संविदा अधिनियम कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, कहते हैं क्या है प्रस्थापना, प्रतिग्रहण, प्रतिसंग्रहण, शून्य संविदा, शून्यकरणीय संविदा, शून्य करार, ठीक है, समाश्रित संविदा, अर्ध संविदा, कल्प संविदा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, सब हौच पहुँच हो जाता है, क्या कारण है ऐसा, क्यों नहीं समझ में आ रहा। सीधी सी बात है, जब आप किसी भी चीज़ को एक सिस्टमेटिक ढंग से योजनाबद्ध तरीके से नहीं समझोगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं समझोगे, तो कैसे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा ना। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा, जितने भी समय का ये बनाया जा रहा है, तो दावे के साथ कह रहा हूं कि एक भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपके दिमाग से मिस हो जाए। अभी मैं समझाया नहीं हूं, अभी तो बस केवल मोटा मोटा बताया हूं, और पूरे संविदा अधिनियम पे आपकी पकड़ हो जाएगी, ना केवल इस संविदा अधिनियम पे, इसके अलावा जो और भी विधियां लिखी हुई हैं उसको भी आप समझ लेंगे आज ही। तो संविदा अधिनियम पे देखिए, इस संविदा अधिनियम को 2 भागों में मैंने बांट दिया, सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, ठीक है। सैद्धांतिक पक्ष का मतलब होता है कि संविदा विधि पे कुछ सिद्धांतों का उल्लेख, उन बातों का उल्लेख
जो जब भी कभी संविदा किया जाएगा तो उसका पालन हमेशा किया जाएगा। कॉमन चीजें हैं ये, जनरल प्रोविजंस हैं, कॉमन प्रावधान है ये, जब कभी संविदा किया जाएगा तो हमेशा ये सब नियम लागू होंगे। और ये कुछ विशेष प्रकार के संविदा की बात की गई है तो ये जब किया जाएगा तभी वो लागू होगा, जो किया जाएगा वो लागू होगा, हमेशा नहीं। अगर क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूत की संविदा हो रही है तो अध्याय 9 10 11 का वहां कोई मतलब नहीं है, लेकिन चाहे क्षतिपूर्ति की संविदा हो, उपनिधान हो, अभिकरण हो, भागीदारी हो, माल विक्रय हो, लगभग लगभग ये सारे प्रावधान लागू होते हैं। 75% प्रावधान एक साथ लागू होते हैं, ध्यान दीजिए। इसी नाते ये सामान्य प्रावधान है और ये प्रावधान ना केवल इन विशेष प्रकार के संपत्तियों के अंतरण पे, इन संविदा पे लागू होते हैं, बल्कि इसके अलावा जितनी भी संविदा से संबंधित विधियां हैं वहां भी भारतीय संविदा अधिनियम का धारा 1 से लेकर 75 तक का प्रावधान आवश्यकता अनुसार लागू होता है। मैं दृष्टांत के रूप में आपको बता रहा हूं, अगर आपने टीपीए पढ़ा होगा, संपत्ति अंतरण अधिनियम, तो उसकी धारा 4 में आप देखेंगे वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि संविदा अधिनियम के प्रावधान और भारतीय पंजीकरण अधिनियम के प्रावधान आवश्यकता अनुसार संपत्ति अंतरण अधिनियम पे लागू होते रहेंगे। आप माल विक्रय अधिनियम देखेंगे तो धारा 4, भागीदारी अधिनियम देखेंगे तो धारा 4, वो धारा 3, ठीक है, 4 नहीं, धारा 3 में वहां लिखा हुआ कि संविदा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे जहां आवश्यकता पड़ेगी। क्यों लागू हो रहे भाई? क्योंकि ये सामान्य विधि है, जहां कहीं संविदा की जाएगी इसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, मान ही नहीं होगा संविदा। तो इस नाते जब कभी जहां भी कहीं संविदा की जाएगी तो ये प्रावधान वहां लागू होते रहेंगे, क्योंकि ये सामान्य प्रावधान है, कॉमन प्रावधान है। इसी नाते इनको सिद्धांत कहा, मैंने कि ये सैद्धांतिक पक्ष है, ठीक है। और यही कारण है कि संविदा अधिनियम को भारतीय संविदा अधिनियम कहा जा रहा है। ये एक प्रमुख कारण है कि इस संविदा अधिनियम को भारतीय संविदा अधिनियम कहा जा रहा है, जबकि माल विक्रय अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, इन सब में आप देखेंगे तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, भारतीय माल विक्रय अधिनियम। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक विषय पे बनाए गए कानून है, चाहे माल विक्रय हो चाहे भागीदारी हो, जबकि ये संहिता एक विषय पे पर्टिकुलर नहीं है। संविदा से संबंधित जितने भी सैद्धांतिक प्रावधान हैं, जितने भी सामान्य नियम हैं, वो सब इसी में लिखे हुए हैं। कुछ विशेष प्रकार की संविदाओं का भी उल्लेख किया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो संपत्तियों के अंतरण पे कौन सी विधि आप पढ़ते हैं? भारत संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का पढ़ते हैं आप। उस संपत्ति अंतरण अधिनियम में भी दो प्रावधान आप देखेंगे तो संपत्ति अंतरण अधिनियम का जो चैप्टर 2 है वो सिद्धांत की ही तो बात करता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम का अध्याय 2 जो धारा 2 से 53 तक है, ठीक है, 5 से 53 तक है, 2 से नहीं, क्योंकि शुरुआत की जो उसकी धाराएं हैं वो अध्याय 1 है, प्रारंभिक है, उसके बाद जो उसकी धाराएं हैं वो सब धारा 53 तक वो सैद्धांतिक पक्ष की ही बात करती हैं। उसी में आपको मिलेगा दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा संपत्ति का अंतरण, निर्वाचन का सिद्धांत, ठीक है, निहित हित, समाश्रित हित, पूर्वभावी शर्त, पश्चातवर्ती शर्त, ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत वहां बताए गए हैं। उसी में अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण, ठीक है, शाश्वतता का सिद्धांत, तो वो सब जो सिद्धांत है वो क्या है? वो सिद्धांत ना केवल उस संपत्ति अंतरण अधिनियम में जो कुछ विशेष प्रकार के संपत्तियों के अंतरण का तरीका बताया गया है, ठीक है, अध्याय 4 से लेके 3 से लेकर 4 से लेकर के, अध्याय 4 नहीं, यहां से ही शुरू हो जाएगा आपका, विक्रय से, विक्रय हो गया, बंधक हो गया, पट्टा हो गया, दान हो गया, इन सब पे तो वो लागू ही होता है। इसके अलावा जहां कहीं संपत्ति के अंतरण की बात की गई है उस पे भी अध्याय 2 के प्रावधान लागू होते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, लिखा हुआ है
कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है। कैसी दंड संहिता? साधारण दंड संहिता। क्यों उसे साधारण दंड संहिता कहते हैं? क्योंकि अपराध से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो आईपीसी में बताए गए हैं और कुछ अपराधों के बारे में भी लिखा हुआ है। तो आईपीसी भी दो भागों में बढ़ जाती है, सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, सेक्शन 106 तक। और 106 की ही बात नहीं है, अबेटमेंट भी आएगा, आपराधिक षड्यंत्र भी आएगा। ये सब ऐसे प्रावधान हैं जो न केवल आईपीसी में जो अपराध बताए गए हैं उस पर लागू होते हैं, बल्कि आईपीसी से बाहर जो भी दांडिक विधियां लिखी गई हैं वहां पे भी आईपीसी के प्रावधान लागू होते हैं। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक पक्ष का प्रावधान उसमें किया गया। सजा का प्रकार आईपीसी में लिखा हुआ है, सेक्शन 53 में, धारा 53 में लिखा हुआ है पांच प्रकार की सजाएं। ये पांच प्रकार की सजाएं जितनी भी दांडिक विधियां हैं वहां भी यही लागू होती हैं कि नहीं? जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे क्या कारावास दिया जाएगा, ये किसी विशेष विधि में नहीं लिखा हुआ, दांडिक विधियों में। ये आईपीसी के ही प्रावधान वहां भी लागू होते हैं। तो जिस प्रकार से आईपीसी में सैद्धांतिक पक्ष का प्रावधान किया गया है शुरुआती धाराओं में, टीपीए में आपके किया गया है, उसी प्रकार से भारतीय संविधान अधिनियम में भी सैद्धांतिक प्रावधान का उल्लेख किया गया है। जो ये सिद्धांत बताए गए हैं, ये सिद्धांत न केवल ये विशेष प्रकार के संविदाओं पर लागू होते हैं, बल्कि इस संविदा अधिनियम से बाहर के जो भी संविदा से संबंधित विधियां हैं वहां भी लागू होते हैं। जैसे मैंने दृष्टांत के रूप में आपको बताया, धारा 4 टीपीए का आप देखेंगे लिखा हुआ है, वहां पे संविदा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। माल विक्रय अधिनियम, भागीदारी अधिनियम की धारा 3 देखेंगे दोनों के, तो वहां भी संविदा अधिनियम की बात की गई है कि संविदा अधिनियम के ये प्रावधान यहां लागू होंगे माल विक्रय और भागीदारी अधिनियम पे भी। तो इस तरह से आपने देखा, ये सैद्धांतिक पक्ष और ये व्यवहारिक पक्ष, यानी कुछ विशेष प्रकार के संविदा की बात की गई है। वो विशेष कितने प्रकार के हैं? टोटल 5 अध्याय हैं, अध्याय 7, 8, 9, 10, 11। ठीक। अब ये जो सैद्धांतिक पक्ष है, इधर आप देखेंगे तो सैद्धांतिक पक्ष भी टोटल 6 अध्यायों में बटा हुआ है। और ये 6 अध्याय आप देखेंगे तो इसमें जो धाराओं की संख्या है वो 1 to 75 है, लेकिन इसमें से 2 धाराएं ऐसी हैं जो बिना किसी अध्याय के, वो है धारा 1 और 2। ये देखिए, मैंने एरो एरो डॉट डॉट कर दिया है यहाँ पे दिखाने के लिए, या कोई चैप्टर नहीं लिखा हुआ। ये 2 धाराएं ऐसी हैं जो बिना किसी चैप्टर के, ठीक है, इनमें चैप्टर के अधीन नहीं आती, यानी अध्याय रूपी छतरी के नीचे ये 2 धाराएं नहीं, अलग, ठीक है, जिसमें अधिनियम का नाम, विस्तार, प्रारंभ और परिभाषा खंड लिखा हुआ है। अध्याय शुरू होता है धारा 3 से, तो ये टोटल 6 अध्याय लिखे गए हैं। टोटल अध्यायों की संख्या 6, जो सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित हैं, व्यवहारिक पक्ष से संबंधित अध्यायों की संख्या 5, टोटल अध्याय हो गए 11, धाराएं 1 से 75 सैद्धांतिक पक्ष में, 76 से 266 तक व्यवहारिक पक्ष में, ठीक है। तो इस तरह से टोटल धाराओं की संख्या 266। अब आप देखेंगे तो व्यवहारिक पक्ष में 2 अध्याय ऐसे हैं जो निरसित हो गए हैं। व्यवहारिक पक्ष का प्रथम अध्याय, अध्याय 7, और द्वितीय अध्याय, अध्याय 11, ये 2 अध्याय ऐसे हैं जो निरसित हो चुके हैं। समझ में आ गया? ये 2 अध्याय ऐसे हैं जो निरसित हो चुके हैं। तो इसको भी जरा देख लीजिए, क्या है जो निरसित हुए हैं। यहां लिखा हुआ है अध्याय 7 माल विक्रय, ठीक है, क्या है ये? माल विक्रय से संबंधित था अध्याय 7।